हेलो फ्रेंड्स, रितंभरा कंप्यूटर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जिसको हम राउंड फंक्शन के नाम से जानते हैं, का यूज करना सीखेंगे। राउंड फंक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अकाउंटिंग, एरियर्स और सैलरी में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जहाँ हमको परफेक्ट एक्यूरेट वैल्यूज की जरूरत होती है, क्योंकि करेंसी एक चीज है जिसमें अगर गलत वैल्यू आ गई तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती। तो राउंड फंक्शन का यूज करके हम इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही सरल भाषा में मैं राउंड फंक्शन, राउंड अप फंक्शन, राउंड डाउन और एम राउंड फंक्शन का यूज करना सिखाऊंगा। यहाँ सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि राउंड का मतलब यहाँ क्या है। राउंड का मतलब कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट या चक्कर से नहीं है। यहाँ राउंड का मतलब है कि हम किसी एक नंबर को उसके नियरेस्ट किसी नंबर के साथ इंटरचेंज कर देंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके सामने एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी जिसमें मैंने चार नंबर्स को लिख रखा है विथ डेसिमल डिजिट्स। देख सकते हैं कि चार नंबर्स हैं जिनमें डेसिमल डिजिट्स भी हैं। अब इनका राउंड फंक्शन के साथ यूज कैसे करना है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि राउंड का यूज कैसे है। मान के चलिए मैंने कोई नंबर 96 टाइप किया है। अगर मुझे इसे इसके नियरेस्ट 10 तक राउंड करना है, तो आप सीधे से देख सकते हैं कि 96 किस वाले 10 के ज्यादा पास है, 90 के ज्यादा पास है कि 100 के ज्यादा पास। ये 100 के ज्यादा पास है, इसका मतलब इसका नियरेस्ट 10 वैल्यू 100 होगी। इसी तरह नियरेस्ट 100 फाइंड किया जाता है और इसी तरह नियरेस्ट 1000 भी फाइंड किया जाता है। तो आसान शब्दों में कहूं कि राउंड का मतलब है कि नंबर को कि उसके आसपास के किसी दूसरे नंबर के साथ बदल देना। राउंड फंक्शन का यूज क्या है, राउंड फंक्शन का यूज किसी नंबर के डेसिमल प्लेस की वैल्यू को फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन, जो डेसिमल वैल्यूज हैं, तक यूज करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे 152.632 लिखा है, तो अगर मुझे केवल इसके फर्स्ट डिजिट की वैल्यू को यूज करना है किसी अलग सेल में, तो मैं राउंड फंक्शन का यूज करूंगा। इसको यूज करने का एक फार्मूला होता है, तो सबसे पहले हम इक्वल साइन लगाएंगे और टाइप करेंगे राउंड। देख सकते हैं मैंने राउंड टाइप किया और फिर ब्रैकेट का यूज करेंगे और उस सेल एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे जिसका राउंड डिजिट हमें निकालना है। तो मैं इस सेल को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, देख सकते हैं वो सेल सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद हम कॉमा का यूज करेंगे और इसकी डेसिमल पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे कि हमें इसके कितने डेसिमल तक की वैल्यू चाहिए। अगर आपको एक डेसिमल की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ 1 टाइप करके इंटर करेंगे, तो देखिए ये फर्स्ट डेसिमल वैल्यू तक राउंड हो गया। अगर इसी को सेकंड डेसिमल वैल्यू तक चाहिए, तो मैं 1 की जगह 2 को टाइप करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए सेकंड डिजिट तक नंबर राउंड हो चुका है। इसी तरह आप नीचे की वैल्यूज में यूज कर सकते हैं, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ऑन, सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा और जो डिजिट आपको रखना हो, जैसे कि सेकंड डिजिट, तो मैं सेकंड डिजिट तक रख लेता हूँ। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि राउंड का उपयोग हम किसी डेसिमल वैल्यू को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन, जितना हमें जरूरत हो वहां तक यूज करने के लिए करते हैं। ये तो ही डेसिमल वैल्यू की बात। अब इसका एक यूज है नियरेस्ट 10, 100 और 1000 डिजिट फाइंड करने के लिए, तो हम इस पे डबल क्लिक कर लेते हैं और नियरेस्ट 10, 100 और 1000 के जो डिजिट हैं उनका यूज कैसे करना है, आपको नीचे स्क्रीन पर एक शीट दिख रही होगी, आप उससे वैल्यूज को देख सकते हैं। नियरेस्ट 10 का यूज करने के लिए -1 का यूज किया जाता है ताकि नियरेस्ट 10 वैल्यू मिल सके। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो देखिए इसका नियरेस्ट 10 यानी 152 का नियरेस्ट 10 150 हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अगर इसी का नियरेस्ट 100 चाहिए, तो हम इस -1 की जगह -2 का यूज करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे, जिससे आप देख सकते हैं कि इसका नियरेस्ट 100 डिजिट आपको मिल गया। 1000 डिजिट का यूज करने के लिए हम इसी -2 की जगह -3 का यूज करेंगे और हम देखेंगे कि ये नियरेस्ट 1000 क्या है। यहाँ देख सकते हैं 00 वैल्यू आई है, क्योंकि 152 जीरो के ज्यादा पास है एज कम्पेयर टू 1000। सेम चीज आप नीचे के नंबर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये बात हुई राउंड की। राउंड के साथ साथ राउंड अप, राउंड डाउन और एम राउंड फंक्शन भी होते हैं। राउंड अप का काम ये है कि जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है
वो इससे नीचे की वैल्यू को राउंड नहीं करता। अगर मैं इसमें नियरेस्ट 10 वैल्यू फाइंड करूं, तो देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसके बाद ब्रैकेट और उस सेल का एड्रेस, कॉमा करता हूं और मैं इसका नियरेस्ट 100 डिजिट फाइंड करता हूं। इसके लिए मैं -2 टाइप करूंगा और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए 200 मेरे को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, राउंड अप फंक्शन जो डिजिट दिया गया है, जो नंबर दिया गया है, उससे ऊपर की वैल्यूज को ही राउंड करता है, इसके नीचे की वैल्यू को राउंड नहीं करेगा। जैसे मैं इसका नियरेस्ट 10 ढूंढने का प्रयास करूं तो इसमें मैं -1 लिख लेता हूं और इंटर की प्रेस करूंगा तो देखिए ये 150 दिखाने की बजाय 160 दिखा रहा है। इसका मतलब ये इस वैल्यू से ऊपर की वैल्यू को दिखा रहा है। इसी का उल्टा राउंड डाउन फंक्शन होता है। राउंड डाउन हमेशा नीचे की वैल्यू को दिखाता है। चलिए हम इसका भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। राउंड डाउन ब्रैकेट ऑन और उस सेल का एड्रेस और कॉमा और जितने डिजिट आपको देखना हो। मैं यहाँ पे नियरेस्ट 100 फाइंड करता हूँ तो मैं यहाँ पे -2 टाइप करके इंटर की प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये इसके नीचे की वैल्यू को दिखा रहा है, जबकि 152 200 के ज्यादा नियर होता है। तो आप देख सकते हैं राउंड अप का भी यूज हो गया, राउंड डाउन का भी यूज हो गया। एक चीज और, राउंड में हमको यदि नियरेस्ट इंटीजर फाइंड करना है तो हम इसके लिए किस फॉर्मूला का यूज करते हैं। हम इसके लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे राउंड सेल एड्रेस पर -3 की जगह हम यहाँ 0 का यूज करेंगे। 0 का यूज करने पर आपको इसके पास का इंटीजर मिल जाएगा। देख सकते हैं 152 के पास का इंटीजर 153 आपको मिल गया है। राउंड अप में भी यही है। राउंड अप में भी हम नियरेस्ट इंटीजर को फाइंड कर सकते हैं तो हम -1 की जगह जैसे ही 0 टाइप करेंगे तो देख सकते हैं कि 153 इसमें आ गया। लेकिन जब राउंड डाउन में हम इसका यूज करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या मिलती, देख सकते हैं 152 वैल्यू मिल रही। क्यों? क्योंकि राउंड डाउन हमेशा नीचे की वैल्यू को काउंट करता है। अब एम राउंड फंक्शन का यूज समझ लेते हैं। एम राउंड फंक्शन कब यूज किया जाता है, जैसे देखिए सेल एड्रेस में 152.632 वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन मुझे ऐसी संख्या चाहिए जो किसी पर्टिकुलर नंबर से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए मैं एम राउंड फंक्शन का यूज करूंगा। जैसे 152.632 5 से डिवाइड नहीं हो रही है तो मुझे इसके आसपास की वो संख्या चाहिए जो कि 5 से डिवाइड हो जाए। तो फॉर्मूला में मैं सेल एड्रेस के बाद अगर 5 टाइप करूंगा तो आप देखेंगे कि वो संख्या मुझे मिल जाएगी जो कि 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। देख सकते हैं 155 वैल्यू मिली है जो कि इसके आसपास की ही वैल्यू है और 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकती है। तो इस तरह से आप राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और एम राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं मैंने जो बातें आपको बताई हैं वो आपको समझ आई हों। आप इन फंक्शंस का यूज कीजिए और अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट करके नीचे बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आगे भी इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।